blind ice cream set. Alright guys, yeah, it's 11 in the morning, not 11 yet, it's 10:36 in the morning and we are in Kisima village. वैसे आप सभी को पता है कल रात को हम पहुँचे थे यहाँ पे लाइक 6 बजे के करीब एंड हमने ना ये कैंप साइट बुक किया, आई मीन नॉट पूरा कैंप, एक टेंट बुक की एंड इट सेज कैंपिंग व्हीकल्स थेरेपी इज एक्सपेंसिव. भाई कैंपिंग करके ना बचाओ भाई, थेरेपी वाले जो एक्सपेंसेस रहता है. सो वैसे हम सुबह उठे एंड काम करना हुआ हमारा लाइक वीडियो का एंड उसके बाद ना अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है टूवर्ड्स द वेन्यू. सो हियर इज अवर स्ट्रेंजर एंड देख सकते हो स्ट्रेंजर के होलिया बहुत ही बेमिसाल दिखता हुआ. जब जब धूल मिट्टी लगता है ना अपने स्ट्रेंजर अपने सामरेटे के ऊपर तब और भी हैंडसम एंड और भी ब्यूटीफुल लगता है. तो अभी काम करना है कि यार मतलब हमारे ना जो ये मिरर है जो ये घूमते जा रहे हो जो कि कल से आपको दिखा रहा है इसको टाइट करना है एंड जो ये हैंड गार्ड है ना इसको भी टाइट करना है. वैसे ये ना थोड़ा सा अंदर जाके ये देखो ये लीवर को टच हो रहा है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर तो अभी नहीं लाएंगे बट ये दो काम बाकी है. नागालैंड के मौसम में ना हमें हैंडसम होना मतलब पसंद नहीं है क्या, सोचे सिर्फ शर्ट में दिखा कर चलेंगे. अभी ना सब कुछ घुमक का जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है. ऐसा मौसम यहाँ पे पल भर में बदलता हुआ, इनफैक्ट सुबह को अच्छा खासा धूप था, सोचे थे आज दिन ना मतलब मज़ेदार होगा कहकर, बट नहीं काला बादल फॉग चारों तरफ से मंडरा रहा है. आई थिंक बारिश भी होने के, तो उससे पहले यहाँ से वेन्यू चलते एंड उससे भी पहले अपना स्ट्रेंजर का जो नॉट बोल्ट टाइट करना है वो करते हैं. तो काम कर लेते पहले, काम करना बहुत ज़रूरी रहता है. सो देखता हूँ टूल बॉक्स में क्या क्या है. टूल बॉक्स में होना तो चाहिए बहुत कुछ. एक्चुअली एल की चाहिए था मुझे, एल की अब है कि नहीं आई एम नॉट श्योर. हाँ भाई एल की तो नहीं, तब तो इससे कम तो वो लग कहाँ गया रे. खत्म, मेहनत गया बेकार. देखो चेस गार्ड ऐसा होकर चलना पड़ रहा है, अब कौन आ रहा है समझ में नहीं आएगा. क्या बोलते हो गाइस? सो गाइस यार ऑल सेट टू लीव फॉर द वेन्यू एंड आज ना मतलब एंजॉय करेंगे फुल ऑन. और वैसे स्टेंजर काफ़ी गंदा हो चुका है बट इनको धोना नहीं, कल जाके धोएंगे. बट जो काम हमने मतलब हमें करना चाहिए था ना वो देख रहे, फेस्टिवल पहले देख लेते हैं उसके बाद गैरेज जाना पड़ेगा आई गेस, ऐसा लग तो रहा है. सो लेट्स मूव गाइस. सेट ऑल सेट एंड रास्ते को चेक करेगा, इट्स प्योर बोल्डर. बट ये समा गया हुआ बोल्डर है, 5 मिनट का राइड होगा हमारा यहाँ से टूवर्ड्स द वेन्यू एंड बाइक को ना आगे पार करके हम आगे बढ़ेंगे. क्या कहते हैं इसे, बैटरी भी बचेगा हमारा ना. सो जितने भी लोग ये एरिया में रहते हैं ना उनके लिए एक बेनिफिट है कि ना मतलब हमें एंट्री भी देना नहीं पड़ता क्योंकि हम बैक गियर से एंट्री करते हैं तो वहाँ पर सीन ऐसा नहीं है. बट कभी भी मैंने अपना खुद का गाड़ी लेके तो नहीं गया, इस बार पहली बार लेके जा रहा हूँ. पार्किंग का देना पड़ेगा लग रहा है, और इतना भी कंजूसी नहीं करने का ना. क्या कहते हो, आते ही सर्दी तो नहीं लग रहा है बट हमने बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिए एंड अभी जा रहे टूवर्ड्स द वेन्यू जो कि सामने नीचे की ओर. चलो गाइस आते ही टैग लग चुका है यहाँ पर. एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहले हम चोरी छुपे जाते थे बट इस बार ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं. क्या कहते हो? सो यहाँ पर भाई लोग हमारा ओके इफ वी लॉस दिस वन वी हैव टू गेट न्यू वन. चेकिंग है क्या अंदर? वी हैव टू पे नाउ. इस बार ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं, पिछले बार मैं चोरी छुपे वो नीचे से एंटर करता था ना, लॉस में आ गया. गाइस हम ना एक्चुअली लेट हुए, नहीं तो ना हमें अच्छा सा सेटिंग अरेंजमेंट अगर मिलता तो और अच्छे से कैप्चर करके आपको दिखा पाता. और हम काफ़ी दूर से कैप्चर कर रहे हैं, वो चेक दिस आउट. नज़दीक जाने का जरिया ढूंढना पड़ेगा रे भाई. एक्चुअली काफ़ी नज़दीक जाकर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हमें, काफ़ी लेट हुए तो यार मतलब सीटिंग अरेंजमेंट ना हमें उतना अच्छा खासा यहाँ पर नहीं मिल रहा है. सो लेट्स सी उस साइड से अभी आपको ना जाके दिखा दे. और यहाँ पे काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सही बता रहा हूँ यार. एंड नागा हेरिटेज विलेज वेस्ट खोनामा यूथ ऑर्गेनाइजेशन कोहिम. ओ
कल्चरल प्रोग्राम खत्म हो चुका है यहाँ का, हम थोड़ा सा लेट हुए, अच्छा से दिखा नहीं पाए, प्लीज अभी इवेंट होते काफ़ी क्राउड यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो बहुत बहुत बड़ा क्राउड है, रात को ना यहाँ पे कंसर्ट होने का इस स्टेज पर। और भाई मेरे बता कैसा लग रहा है तेरे को? मैं ढूंढ रहा हूँ क्या ढूंढ रहा हूँ सच बताऊँ तो दो दिन से बहुत परेशान था, मतलब जहाँ पे पहुंचा ना भाई सो एक्चुअली गाइस इट्स लंच टाइम, सारे लोग ना यहाँ पे खाना खा रहे हैं जैसे कि ये देख सकते हो, ट्रैवल कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त होता हुआ, अभी लंच पर टूर पर थे बट हम नहीं खाते, हम कुछ देर बाद खाते हैं। एक हमारे आंटी जी खाना लेके जा रहे हैं, सारे के सारे लोग ये मुझे है ना एक्चुअली काम वो कर रहा है। अरे भाई मेरे, हेलो हाउ आर यू, कैसा है कैसा है? सो गाइस या कोहिमा आए और भाई से ना मिले ना ये हो नहीं सकता, सो वन एंड ओनली किवी, हेलो किवी जुलके जुला नो Yazli. Yazli, Yazli. You see, I came here with the same jacket again. Yeah, so that you'll be reminded of that. Those How are you? Bas, all good. So glad to see you. I came searching for you only. I'm not interested with this Hornbill. Yeah, this is yours, man. Nice. KB bhi yahan pe upgrade hota hua and he is now known as a vlogger. Hello guys. Welcome to my channel. Subscribe na. Hi. कैसे हो? सही हो ना? सो गाइस या चलो ये बजाते, इसका नाम क्या है? लोक ड्रम। सो दिस इज अ लोक ड्रम एंड इट्स छांग नागा, इसको एक्चुअली हम बजाते तो देखते बजाने मिलेगा। सो यहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ एंड यहाँ पर अंदर वी कैन एक आप मार सकते हैं दो, चलो इसको ना ये ना सुबह ही चलो बजाते हैं ना अपना म्यूजिक यहाँ पे क्रिएट करके जाते हैं नागालैंड में, क्या कहते हो? सो हियर वी गो। अच्छा रहा है बहुत अच्छा रहा है, बताना कैसा लग रहा है? प्रोफेशनल लग रहा है। आपको हॉर्नबिल में आके ठंड लगे ना तो बोन फायर का लुफ्त उठा सकते हो, इट्स नॉट कॉल्ड आउट हियर बट या अच्छा ये हमें ये आता है। सो हमारे भाई लोग यहाँ पे
The scouts are going back. A plan has been set. The leader directs his warriors and the trees, wearing handmade camouflage. He will walk around the forest, surrounding their enemy. Three parties have been formed. One on the right, the other on the left, and a large group leading from the center. Hunting का सीन यहाँ पे होता हुआ and these are the hunters. The sounds are still looking out for the Indians. Then captured the enemy's head. They group together. To celebrate their victory, they would sing and dance. Their head coming back to their village to show off their trophy. The dancers with a new face, like they are hiding from their enemies. They will jump back and forth. The trophy is made for you. Yeah.
गाइस यार नागालैंड में आके ना ये टेस्ट नहीं किया तो और क्या किया। हाँ और भी सारे काफ़ी सारे ऑप्शन है आपको टेस्ट करने के लिए, बट हम घर से निकलते ही मैंने लाइक मन बना ली थी कि टेस्ट किया जाए कहकर। सो दिस इज स्नेल आउट हियर एंड अभी हमने एक्चुअली टेस्ट करके दिखाए थे हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो ये स्नेल है गाइस, इसको इस तरीके से हाथ पे लेते हैं लाइक मेरा निकल ही नहीं रहा है क्यों रे? इसको अंदर घुसो ना। ये क्या निकला यार? कोई तो खराब होता है ऐसा, कोई खराब होता है कोई अच्छी होता है ऐसा है क्या? हाँ ये खराब हो गया। और जो हम लोग पहले गए ना चला कि हाँ खुनुमा का जो रास्ता है ना पूरा ब्लैक टॉप हो गया अभी पूरा ब्लैक टॉप हो गया। हाँ जी एंड देन गाइस आपको एक बंदे से मिलाना है 2021 में उन्होंने मुझे यहाँ पे कितने करके रखा था एंड ही इज वन एंड ओनली मिस्टर लीमा। कैसे हो? अच्छी हो तुम भी वेट गेन कर लिया रे? हाँ मैं तो बहुत मोटा हो गया अभी। मुझे भी मोटा हो गया। हाँ जी मोटा हो गया सुंदर हो गया ना हैंडसम भी हो गया ना थोड़ा। हाँ अरे क्या बोलूँ नो वर्ड्स टू से। वेलकम बैक टू नागालैंड गाइस हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023। सो सब बढ़िया नीमा? हाँ जी एक्चुअली नीमा कीवी को एक ही फ्रेम में लाने का प्लान था बट नहीं हो पाया। भाई लोग भी काफ़ी बिजी शेड्यूल में काफ़ी उनका भी हेक्टिक समय चल रहा है ड्यू टू क्रिसमस एंड ऑल एंड खुद का भी कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है। सो कुछ देर मिलेंगे भाई से क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एंड उसके बाद फिर यहाँ से ऑफिस चक्कर होंगे। सबसे पहले हम खा रहे अभी स्नेल एंड देन ये मसाला नूडल्स एंड उसके बाद एक्चुअली प्लान था स्ट्रेंजर को लेकर ना चैन लुक चैन क्लीन चैन टाइट स्पेशली टाइट कराना था। अभी गए थे काफ़ी जाम, अभी देखना पड़ेगा सही मुहूर्त निकाल करना, हमें जाना पड़ेगा गैरेज। टेस्टी है यहाँ का एंड पानी भी पी रहे ये लीमा क्या कर रहे हैं चक्कर गाइस लीमा एज ऑलवेज तू बात करना अभी लेफ्ट राइट हो रहा है लेफ्ट राइट ऐसा करके तो सुनिए गाइस इट्स ऑलमोस्ट 4 इन द इवनिंग एंड अभी ना लाइक शाम को प्रोग्राम होने को है तो मैं सोच रहा हूँ नॉट 4 यार इट्स 3:30 इन द इवनिंग तो मैं सोच रहा हूँ आफ्टरनून तो मैं सोच रहा हूँ बाइक को ना यहाँ से थोड़ा आगे जहाँ पे ज़्यादा जाम ना लगे वहाँ पर पार्क करके फिर से यहाँ पे आए क्योंकि रात को और ज़्यादा अंदर लाइक जाम लगने को है। लीमा कह रहा है मोर देन 50,000 प्लस यहाँ पे टूरिस्ट या लोकल सब कुछ गैदर होंगे बिकॉज दिस इज लास्ट डे ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल तो काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे एंड लीमा इट वॉज नाइस टू मीट यू वंस अगेन आफ्टर द ईयर। Yeah.